हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर वन क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स का ना ओसीएम का 2023 के लिए सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। काफी बच्चों को मुझे पता है ऑलरेडी ये चीजें पता है सिलेबस क्या है सर हमारा पेपर पैटर्न क्या है, और इतना लेट आप वीडियो बनाएंगे तो सबको पता ही चल जाएगा, काफी लेट आ रहे हैं हम। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली देता है ना, तो जो बच्चे डायरेक्टली ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचते भाई यूट्यूब पे लास्ट टाइम कॉमर्स वाले डालते ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओसीएम, तो चैनल बाई मिस्टेक्स ही दिख जाता, बट दिखता जरूर क्योंकि बच्चों की आदत होती है लास्ट टाइम जब देखते हैं ना तो एक सर की नहीं देखते, दो तीन सर का वो लोग क्या करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो मेरा सजेशन रहता है कि जो कंटिन्यू सीरीज के साथ मेरे साथ बच्चे जुड़ते हैं क्लास ट्वेल्थ वाले या फिर डिग्री वाले, अभी तक की अपने चैनल पे मोस्ट ऑफ डिग्री गई बच्चे ज्यादा करके एड है, ट्वेल्थ क्लास के कुछ बच्चे एड है। काफी बच्चों ने कॉमेंट किया था सर हम लोग सीरीज चालू भी करेंगे या फिर नहीं करेंगे क्योंकि काफी डिले हो रहा है, तो मैंने बोला कॉमर्स वालों का ना कोई टेंशन नहीं, आप जो भी प्रिपरेशन कॉलेज से क्लास से कोचिंग से जहां से भी करते हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कंप्लीट सिलेबस मतलब 80 मार्क्स का जो सिलेबस है एक से दो मंथ में कंप्लीट करा दूंगा, वो भी एंडिंग के, पर राइटिंग पे नहीं जाना, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, एक से दो मंथ में ना कंप्लीट करा दूंगा। तो ध्यान से सुनो, वो भी ओसीएम का सिलेबस जिसके बारे में ना बच्चे काफी तारीफ करते हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे आप खुद से तारीफ करोगे भाई शुभम सर के जैसे ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओसीएम में प्रोवाइड कराता हूं, बहुत लिमिटेड। काफी बच्चे लास्ट टाइम काफी खुश हो गए थे सर बहुत अच्छे पेपर गया हमारा, मार्च वालों बच्चों की बात करूं जो इन्होंने एंडिंग टाइम पे भी देखा था ना काफी बेनिफिट्स मिलता है, तो आप पहले से वो गलती आप ना करो, इसलिए एक से दो महीना पहले से प्रिपरेशन करना चालू कर दो ज्यादा बेस्ट होएगा और बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। ऑब्जेक्टिव है सर ना ये जो 80 मार्क्स का हमारा सर पेपर पैटर्न है ना 80 में से 80 कवर होना चाहिए, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बताएंगे तो बताएंगे, वो आएगा हमारा हैशटैग नंबर 2 में आएगा, इसी ध्यान रखना। हैशटैग 2 ऑलरेडी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा इस साल वाले बच्चों के लिए, 2023 वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगला में आएगा, उसके बाद जिस टॉपिक की आप डिमांड कर दोगे उसकी वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्लियर। बट यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझो, पहले तो सिलेबस देख लो। सिलेबस में एक और चीज भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस सर दिख रहा है सबको पता है सर 8 चैप्टर हमारे हैं, ये तो हमको पहले से ही पता, काफी बच्चे तो मैंने बोला नहीं 7 चैप्टर है, ये चैप्टर मैं काउंट नहीं करता हूँ, ये चैप्टर को मैं कर देता हूँ कट, ये चैप्टर का मैं कुछ नहीं पढ़ता हूं, ना बोलता हूं बच्चे लोग को कभी पढ़ने के लिए, आप लोग भी मत करना भाई, मेरा सजेशन है, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं भाई, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं करूंगा तो कर सकता है क्योंकि ये टॉपिक 5 नंबर का है और विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन भी 5 का, इसलिए मेरा सजेशन है भाई इतने मेहनत क्यों करना है इस टॉपिक पे, 5 ही नंबर देने वाले, एक शॉर्ट नोट्स आएगा एक ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ऑब्जेक्टिव्स कर लो बाकी कुछ करो मत, एक शॉर्ट नोट्स ही बनेगा और कुछ नहीं बनने वाला, तो इतनी मेहनत हमको नहीं करनी भाई, ये टॉपिक कर लो तो चलेगा क्या। 7 नंबर का ये टॉपिक अगर मैं बात करूं 7 एंड यहां पे आएगा 12, मतलब विदाउट ऑप्शन सर 7 नंबर का, विथ ऑप्शन की बात करेंगे 12 नंबर की आएगा, क्लियर सर, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर 12 और 15, क्लियर टॉपिक है सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, काफी मजेदार टॉपिक है, आप सबको पता होगा क्या क्या क्वेश्चंस थे, बता दूं याद दिला दूं सर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है बिल्कुल सर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है बिल्कुल है, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है F.W. Taylor वाले भाई साहब का है, एंड सेकेंड एक 14 प्रिंसिपल भी किसी का है, किसी का है किसका है सर याद होगा कमेंट में ऐड कर देना किसका है 14 प्रिंसिपल एंड उनके बुक का नाम क्या था, तो इससे पता चलेगा ना प्रिपरेशन कैसी हुई है आपकी, सेमेस्टर ऑलरेडी हो चुके तो प्रिपरेशन ये तो हुई होनी चाहिए बच्चे लोग का। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, प्रिंसिपल भी था, टेक्निक्स भी था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, 5 से 6 क्वेश्चन है आपके सिलेबस में इस टॉपिक में, क्लियर है भाई। 12 नंबर लेने के लिए ना 6 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, बहुत मजेदार टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये 12 नंबर का टॉपिक है भाई विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन की बात कर लोगे 15 नंबर का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना ज्यादा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर बिजनेस सर्विसेज की, अगर मैं बात करता हूं ये सबसे बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे सिलेबस है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, लेकिन नंबर भी इसका ज्यादा है, 20 नंबर विदाउट ऑप्शन, 27 नंबर मीन 27 का आएगा विथ ऑप्शन की बात करेंगे बिजनेस सर्विसेस, लेकिन काफी डिटेल्स यहाँ पे आपको पढ़ने, जैसे कि टाइप्स ऑफ बैंक, उसके बाद कॉमर्शियल बैंक का फंक्शंस पढ़ना पड़ता है, फिर वेयर हाउस उसके टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं, हमारे इंश्योरेंस इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर हर एक टाइप
के प्रिंसिपल भी पढ़ने पड़ते हैं। फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के, वहां पे डिसिंग्यूज भी पढ़ने हैं और डिटेल में भी पढ़ना है। तो मतलब बड़े कॉन्सेप्ट है भाई, बड़े कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पढ़ने पड़ेगा तो नंबर भी काफी ज्यादा मिलेगा। 20 नंबर का टॉपिक है और 27 का आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सर क्वेश्चन चैप्टर 5 की बात करेंगे, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, 7 से 10 नंबर का टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, 7 से 10 नंबर का टॉपिक है, सबको पता होना चाहिए। 7 से 10 मतलब बोला जा रहा है तो 7 विदाउट ऑप्शन, 10 विथ ऑप्शन की बात हो रही है। कंज्यूमर प्रोडक्शन सबसे फेवरेट में टॉपिक में से एक है भाई, और नंबर भी इसके लिए फेवरेट बनता है 7 और विथ ऑप्शन 17। क्लियर, काफी मजेदार टॉपिक, तो कोई भी बच्चा ये टॉपिक नहीं छोड़ेगा, कंज्यूमर प्रोडक्शन ध्यान से रखना क्योंकि नंबर के बेस पे। नेक्स्ट सर मार्केटिंग, जो कि आपके सिलेबस में जब आपका ये सिलेबस आपका चेंज हुआ तो ये न्यू कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ये पहले ना डिग्री वाले बच्चों को था, मतलब बीकॉम लेवल को था, बैफ लेवल को था, उठा के आप लोग को दे दिए भाई कि एडवांस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा आप जानो, 4 PS क्या है, 3 PS क्या है, एंड टोटल हमारे 7 PS क्या होते हैं, एंड अदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हमारे इस टॉपिक में। इंपॉर्टेंट है सर, 15-20 मार्क्स का टॉपिक है। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दो तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब सेपरेट सिंपल सा बता दूंगा भाई, देखो इधर पहले सिलेबस आप समझ लो, एक तो सेपरेट चैप्टर बता दूंगा भाई ये चैप्टर कर लो, हो गया आपका टॉपिक, हो गया क्लोज कंप्लीट। अब देखो काफी बच्चे ना नंबर के बेस पे जाएंगे कि सर जिसका नंबर ज्यादा है ये तो मैं खुद कर सकता हूँ, बच्चों का दिमाग चलता है सर ये तो मैं खुद कर सकता हूँ, जिसका नंबर ज्यादा है वो पिक कर लूंगा, बाकी को हटा दूंगा और मेरा पेपर कवर हो जाएगा, ये तो बच्चों का लॉजिक चलता है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना मेरा काम है। चैप्टर्स का भी, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको गाइड कर दूंगा, और सेकंड चीज हमारा टॉपिक में सीधा क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करा दूंगा भाई, यही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाओ, पेपर 80 मार्क्स का कवर हो जाएगा। बट उसके लिए ना आपको ये पेपर पैटर्न की कंप्लीट और अच्छी सी थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स की बात मैं करता नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको कब क्लियर होते हैं, जब मैं टॉपिक पढ़ा के कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक बार रिवीजन सिस्टम होता है। जिस बच्चे ने ना ऑफलाइन क्लास या फिर जहां भी क्लास मेरे से लिया है, सिलेबस होने के बाद 80% बच्चे लोग खुद से कर देते हैं ऑब्जेक्टिव्स, 20% हाँ कुछ न्यू दिख जाते हैं तो कराना पड़ेगा, बट 80% तो मेरा सजेशन रहता है भाई, चाहे आप कॉलेज में जा रहे हो विदाउट क्लासेस हो या क्लासेस लिए हो या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, तो मेरा सजेशन है कभी भी ऑब्जेक्टिव्स रटना नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स कब करो आप, खुद से प्रैक्टिस कब करो, जब आपका कोई भी टॉपिक पढ़ के हो जाता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव टच करो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपको क्या लगेगा सर, हार्ड लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना, कोई भी चैप्टर हो जाए उसके बाद ही उसको ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर लो तुरंत, तो आपको काफी चीजें मैं बता रहा हूं 70-80% आप खुद से कर लोगे, 20-30% ही न्यू दिखेगा। क्लियर सर, बात करेंगे अगले टॉपिक, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एनी 4 out of 6 8 मार्क्स का है, हर बच्चे को ना प्रॉपर एक्सप्लेन किया तो 2 मार्क्स आएगा, और ध्यान रखना OCM में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा, बहुत इंपैक्ट डालेगा आपका मार्क्स कितना आएगा। तो जिस बच्चे की राइटिंग थोड़ी सी खराब है उनके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला काम है, जिस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है बट लिखने का मेथड मतलब उनका कंटेंट उतना अच्छा नहीं है ना, तो भी चलेगा, नंबर मिलेगा। एक तो राइटिंग अच्छा जाने का OCM में बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा बेनिफिट, काफी स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनकी राइटिंग है बट मुझे पता हो कैसे क्या लिखते हैं, बट एग्जाम में OCM में 85, 87, 89 तक चले गए हैं, और काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रेजेंटेशन उतना बेस्ट नहीं है तो 65, 63, 67 पे ही रुक जाते हैं, जबकि डिटेल अगर पढ़ा जाए तो उनसे बेस्ट लिखते हैं। इसलिए OCM स्टार्टिंग से ही बता दे रहा हूं, इसी लेक्चर्स में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा, बहुत इंपैक्ट डालता है कंपेयर टू OCM एंड SPC अगर मैं कर दूं तो, स्टार्टिंग से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 सर, केस स्टडी, एनी 2 out of 3 6 मार्क्स का आएगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट कब समझेंगे, ध्यान रखना कोई यहां से तैयारी करना मत चालू कर देना कि भाई मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा फिर क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा, ये सजेशन नहीं है, क्योंकि सिंपल सा सजेशन आपको दे दूं कि भाई OCM को पढ़ते कैसे, OCM अगर आप पढ़ना चालू करो तो सर कैसे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, मतलब क्या पढ़ूं, पहले मैं शॉर्ट पढ़ूं, लॉन्ग पढ़ूं, जस्टिफाई पढ़ूं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट पढ़ूं, क्या चीज पढ़ना चाहिए हमको। तो सजेशन है कभी भी देखो, या तो आप डिस्टिंग्विश कर लो, पहले डिस्टिंग्विश के बेस पे शॉर्ट नोट्स कर लो, काफी बच्चे उल्टा करते हैं, शॉर्ट नोट्स पहले करते फिर डिस्टिंग्विश करते हैं, तो अगर किसी
इसी कॉन्सेप्ट का डिस्टिंग यूज है, तो मेरा सजेशन रहता है पहले आप डिस्टिंग यूज करो फिर शॉर्ट नोट्स करो उस टॉपिक का। बट अगर ऐसा नहीं है, जैसे पहले टॉपिक में आपका कोई डिस्टिंग यूज ही नहीं है, पहले चैप्टर्स की अगर बात करो डिस्टिंग यूज नहीं है, तो वहां पर आप प्रिपरेशन करो सर लॉन्ग आंसर की, शॉर्ट नोट्स की। जस्टिफाई बाद में करना है, डिस्टिंग यूज बाद में करना है, केस स्टडी बाद में करना है, कॉन्सेप्ट बाद में करना है, पहले आपको ये चीज ध्यान में देना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? क्लियर कॉन्सेप्ट सर। अब सेकंड टॉपिक में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे मेरा सजेशन रहता है मीनिंग मतलब डिस्टिंग यूज आप करो, उसके बाद शॉर्ट की प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स की एंड लॉन्ग की प्रैक्टिस करना है, इसी ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करनी, ऑलरेडी और भी लेक्चर्स आपके लिए आएंगे, हैशटैग 2 से स्टार्ट होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 4 सर डिस्टिंग यूज, जो बच्चे को पास होने, देखो पासिंग वाले बच्चे मुझे पता है काफी एंडिंग टाइम पे उठ के आएंगे, सर पासिंग के लिए कुछ बता दो, बहुत टेंशन हो रहा है, आज ही आपकी वीडियो देखा और 2 दिन बाद एग्जाम है, कल एग्जाम है, सर कैसे पास होना है, तो भाई अभी से लग जाओ, जिसका डिस्टिंग यूज क्लियर है उसी में पास है। डिस्टिंग यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दूंगा, एनी 3 out of 4 आएगा, 12 नंबर का ये टॉपिक है, 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। शॉर्ट नोट्स की बात करूं सर, एनी 2 आएगा, 3 में से ऑप्शन मिलेगा और 8 नंबर का ये टॉपिक आपका रहेगा, 8 नंबर मतलब 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट नोट्स आएंगे। नेक्स्ट सर जस्टिफाई रहेगा, मतलब आपको ट्रू दिए रहेंगे ना, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, मतलब सीधा एक्सप्लेन करना है, 2 out of 3 8 मार्क्स मतलब 4-4 नंबर के ये भी रहेंगे, तो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट सर शॉर्ट नोट्स यहाँ पे भी आएंगे, एनी 2 out of 3 लेकिन यहाँ पे 10 मार्क्स का रहेगा। तो जो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 and 7 में कोई काफी बच्चे पूछते हैं सर क्या चेंज है, तो आपको नंबर ही देख रहा होगा ना भाई, यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे 5 का क्वेश्चन, तो लिखना थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। किसमें सर? 5 मार्क्स वाले की बात करूंगा, 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, चाहे फीचर्स के, इंपॉर्टेंस के, ऑब्जेक्टिव्स के, टाइप्स के, जो भी लिख रहे हो 2 पॉइंट आप बढ़ा दोगे, टाइप्स के सॉरी नहीं, टाइप्स में तो जितने टाइप्स है, चाहे 4 मार्क्स में पूछे 5 में पूछे तो वही लिखने, और अगर डिफाइन याद है वो लिख दिया तो भाई तो बहुत बेस्ट है, नंबर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, नंबर काफी अच्छे मिलेंगे। लॉन्ग आंसर में याद रखना डिफाइन लिखना कंपलसरी है, ये चीज याद रखो, डिफाइन कंपलसरी है, 100% है लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी 1 out of 2 मतलब 2 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन कवर कर लो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को पहले से पता था, बट यहाँ पे कंप्लीट तरीके से उनको उनका सिलेबस और हर एक टॉपिक कितने नंबर का है ये समझ गया है, पेपर पैटर्न हमारा क्या है, किस तरीके से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कैसे करनी, उसकी आइडिया आपको हो गया। हैशटैग 2 में लेके आ जाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ OCM के बारे में लेके आऊंगा, जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उतने ही क्वेश्चन आपको फॉलो करने हैं अच्छा स्कोर करने के लिए OCM में, और ऑब्जेक्ट से 80 आउट ऑफ 80 कवर होना चाहिए, आना चाहिए नहीं कवर होना चाहिए, डिपेंड करेगा किस तरीके से प्रिपरेशन है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। मेरा काम है 80 मार्क्स में से 80 मार्क्स का ना मींस 80 आउट ऑफ 80 कवर करा दूं, अब आप लिखते कैसे हो, प्रेजेंटेशन कैसे देते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर वहां पे आता है। तो चलिए, किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट में ऐड कर देना, अदरवाइज वीडियो हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे-अच्छे कमेंट ऐड करते रहो 12th कॉमर्स वाले, और डिमांड करो सर कौन से टॉपिक का, कौन से मतलब जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अगर कोई टॉपिक डाउट है ना कमेंट कर दो सर, इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाओ, हैशटैग आपके अकॉर्डिंग, बच्चे लोग के एक भी कमेंट आया कि सर OCM के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके आओ वीडियो, तो टॉपिक जैसे आपने डिमांड किया 1 से 2 दिन के अंदर ही उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। चलिए, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड किया गया कि जितनी ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग OCM, इको एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 3 सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जिसके ऊपर आपकी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। SP मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए SP मैं नहीं लेता हूं, तो ये ध्यान रखना। 3 का कॉमेंट जो भी टॉपिक बोलोगे, जो भी क्वेश्चन बोलोगे, डिस्टिंग यू, शॉर्ट नोट, जस्टिफाई, जो बोलना है आपको बोल सकते हो, आपको कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल का लिंक ना क्लास अपने दोस्त यार जो भी बना के रखे हो, क्लास वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, जहां के भी शेयर करते रहो, ताकि उन बच्चों को भी ना बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू लास्ट पे 1 से 2 मंथ में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपका जो भी डाउट रहेगा उसके ऊपर वीडियो बना के। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।